क्लास में टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप फॉर अ फर्म। मैं पहले 5 मिनट के अंदर रिकैप करवा रहा हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया और आगे हम क्वेश्चन को आगे कवर करके चलेंगे। पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और अगर डीड नहीं बनेगा तो किसका कहना मानेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड एज पर दैट एक्ट अगर पार्टनर्स की पीएसआर नहीं है तो बच्चे प्रॉफिट बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आईओसी अलाउ नहीं करेंगे। अगर डीड में पार्टनर्स की सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगा। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उसके इंटरेस्ट के रेट के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करेंगे हम लोग 6% पर एनम। एक बात और बताई थी, अगर डीड में ये नहीं लिखा कि नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाए तो एक्ट कहता है सभी लोग जब तक मानेंगे नहीं, जब तक सब लोग सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, 100% पार्टनर एग्री जब तक नहीं होंगे तब तक नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। फिर मैंने पढ़ाया एप्रोप्रिएशन और एक्सपेंस में क्या अंतर है। हमने डिस्कस किया एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जिसको कोई डाउट था पुराने लेक्चर में देखते हो आप लोग, जो डाउट आप किसी को डाउट अगर है तो फिर भी दोबारा एक मिनट में आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है। हमने कहा जी एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो पैसा पार्टनर को अलाउ करेंगे पार्टनर की कैपेसिटी के अंदर, जो पैसा पार्टनर को अलाउ करेंगे पार्टनरशिप की कैपेसिटी के अंदर उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और जितनी भी एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आती है। हमने एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल पढ़े, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, जो एंड में प्रॉफिट बच जाता है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, एक वो भी एप्रोप्रिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। फिर डिस्कस किया कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन लगती तो है लेकिन होती नहीं है, जैसे मान लो पार्टनर को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, अगर फर्म पार्टनर को रेंट पे कर रही है उससे प्रीमिसेस जो किराए पे ले रहा है, उसके लिए अगर फर्म पार्टनर को रेंट पे कर रही है तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो एक्सपेंस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है और फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है लोन के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। अगर फर्म किसी मैनेजर को कमीशन दे रही है, तो मैनेजर को कमीशन देना एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। लेकिन अगर वही फर्म किसी पार्टनर को कमीशन दे रही है तो उसको रेम्यूनेशन बोला जाएगा। तो रेम्यूनेशन का मतलब जो भी चीज पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में हैसियत से स्टेटस से दी जाती है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया फॉर्मेट क्या होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, जो आपका पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को आपने एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अगर पीएनएल अकाउंट में लॉस आता है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट से एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे हम लॉस को पोस्ट कर देंगे। और उसके बाद जितनी भी एप्रोप्रिएशन है ऑल एप्रोप्रिएशन has to appear on the debit side of P&L appropriation account. फिर एक वर्ड आया था, मैं डिस्कस किया तो उस वर्ड की दोबारा बात कर रहा हूँ बिकॉज वो वर्ड बहुत जगह काम आएगा आपके। एक वर्ड आया था उस वर्ड को डिस्कस करते हैं, वो क्या था वर्ड, वो डेट वॉज नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन। ध्यान से ये बात सुनेगा, वो वर्ड था नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन। उसका मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा वो प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, जिसमें सारे खर्चे माइनस होने चाहिए और उस प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन माइनस होनी नहीं चाहिए। अगर कोई एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है तो उस एप्रोप्रिएशन को हम कर देंगे एड बैक। कैसे करेंगे, अब आज के लेक्चर में क्वेश्चन को समझते हैं। ये थी पुरानी बात, अब आज का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं, अब हम बिगिन कर रहे हैं। सभी का क्वेश्चन विजिबल है, सभी का क्वेश्चन विजिबल है, कंफर्म करेंगे प्लीज। चलेगा स्टार्ट करते हैं। यस सर। हम पिक करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर, आज होमवर्क मिलेगा आपको क्लासरूम के अंदर ही होमवर्क मिलेगा आज, क्वेश्चन बड़े सारे कवर करेंगे हम।
कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है। और एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाए फिक्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हालांकि इस पे टॉपिक अलग से आएगा, अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाए फिक्स तो आप लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को किससे रिप्लेस कर देंगे, वी विल रिप्लेस करंट अकाउंट विद द सॉरी कैपिटल अकाउंट विद द करंट अकाउंट। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीन पार्टनर एक्सपेक्ट, तीन पार्टनर उनकी रेशियो है, उनकी चेक करो पीएसआर कितना है, 2:1, पीएसआर है 2:1। कहता है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर, बच्चे यहां वर्ड आ गया फिक्स्ड, इसका मतलब हर जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो लिखेंगे इसका अलग से लॉजिक आएगा, जब लेक्चर आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल अभी करंट अकाउंट लिखेंगे। आगे पढ़ो क्या कहता है, फिक्स्ड कैपिटल है पार्टनर की 5 लाख 5 लाख 2,50,000, डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे 10% पर एनम, जेड को सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, जेड को सैलरी 2,000 पर मंथ। अब आगे पढ़ो क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग वाई सैलरी, कहते हैं वाई की सैलरी को डेबिट करने के बाद प्रॉफिट आया 4,00,000 रुपए। एक बात आप लोग मुझे बताओ, पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो, एक्सपेंस है क्या अप्रोप्रिएशन है, वेदर इट इज एक्सपेंस और अप्रोप्रिएशन, इट इज अप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से बात सुनेगा, जो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आना चाहिए वो कैसा प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे माइनस होने चाहिए, बट बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन, लेकिन ये क्या कह रहा है पढ़ो, आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी, ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग अप्रोप्रिएशन कह रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बिफोर चार्जिंग अप्रोप्रिएशन। ध्यान से बात सुनिएगा, जब भी बोले आफ्टर चार्जिंग अप्रोप्रिएशन, मतलब इस वाले प्रॉफिट में से वो सैलरी पहले ही माइनस कर चुके हैं, जबकि सैलरी अभी हमें पार्टनर को अलाउ करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर की सैलरी है 2,000 पर मंथ, तो साल की सैलरी कितनी होगी बच्चे, परिणाम सैलरी कितनी हो गई, 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज की सैलरी, पहले उस प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, इस प्रॉफिट में उस सैलरी को हम पहले एड बैक कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। आओ देखते कैसे एड बैक करेंगे, बनाते पहले फॉर्मेट, बनाते फॉर्मेट से स्टार्ट करते, आओ कोई डाउट होगा मुझे बताएगा, फॉर्मेट बनाते, पी एंड एल अप्रोबेशन अकाउंट का बनेगा फॉर्मेट, लेट अस बिगिन। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक बार आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे दोबारा से क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बनाएंगे फॉर्मेट पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन चल रहा है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट, हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो अप्रोप्रिएशन, मतलब उस प्रॉफिट में से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस होनी नहीं चाहिए, मतलब बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी, जेट की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट है 4,00,000 रुपए, अभी तो जेट को सैलरी हमने अलाउ करनी है, इन्होंने पहले ही माइनस कर दिया, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, एड बैक। जेट की सैलरी कितनी है 2,000 पर मंथ, बच्चे कितना प्रॉफिट आ गया बिफोर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, कितना प्रॉफिट आ गया, 24,000 लिखिएगा बच्चे, एडजस्टमेंट आपको करनी है, पहले हमें चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस था ही नहीं, बट चाहिए बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी मुझे चाहिए बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन। उन्होंने एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया, मैंने एड बैक कर दिया। चलो चलते हैं, इनकी पीएसआर है बेटे 2:1, वो बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन क्या आता है, एक्स की कैपिटल है 5 लाख 5 लाख, वाई की 5 लाख, जेड की 2,50,000। एज वी ऑल नो डीड में लिखा भी हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रिवॉर्ड मिलेगा पार्टनर्स को वो मिलेगा 10%। हम सबको बताया क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना बोले तो उसको हम मानते हैं अप्रोप्रिएशन, एंड ऑल अप्रोप्रिएशन हैज टू बी डेबिटेड टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बिगिन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं कैपिटल के ऊपर, हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स के नाम है, ध्यान से बात सुनिएगा भैया, वर्ड में एक लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा पड़ेगा, एक्स के आगे क्या लिखा है, एक्स करंट अकाउंट। मैंने यहां पे करंट अकाउंट क्यों लिखा, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या आ गया, फिक्स्ड कैपिटल। तभी यहां मैंने करंट अकाउंट लिखा। अगर यहां फिक्स्ड ना आता तो यहां मैं लिखता एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। अलग से लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में बताऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट तो क्या होता है। फिलहाल अभी फिक्स्ड आया है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया एक्स करंट अकाउंट। एक्स ने लगाया 5 लाख रुपए, 10% के हिसाब से पूरे साल के कितने मिल गए उसको, 50,000। चलेगा आगे, आगे आ जाओ। ऐसे ही वाई करंट अकाउंट, वाई ने भी लगाया 5 लाख रुपए, 50,000 रुपीज, एंड जेड करंट अकाउंट, जेड की इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए, उसको इंटरेस्ट मिल गया 25,000 रुपए का। इन तीनों को मिला के इंटरेस्ट आ गया 1,25,000 रुपीज। फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4,24,000 रुपए, फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है अभी 1,25,000 रुपए। चलो आगे चलेंगे, आगे आ जाओ। डीड में और क्या लिखा था, डीड में क्या लिखा था पढ़ेंगे। लिखा था जेड को सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ। कहां लिखा दिखा दो, एक बार पढ़ लो, एक बार लास्ट सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, जेड को सैलरी देंगे 2,000 पर मंथ। हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 2,000 पर मंथ, वो भी एप्रोप्रिएशन। तो जेड करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखो सैलरी, 24,000 पे सालाना सैलरी हो गई, 2,000 पर मंथ के हिसाब के साल के 12 महीने। हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे 4,24,000 रुपए, जिसमें से 125 का आईओसी हो गया और सैलरी हो गया। क्वेश्चन में कमीशन रेमुनरेशन कुछ भी नहीं है, रिजर्व कुछ भी नहीं है, एंड में क्या बच गया, जो प्रॉफिट बच गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक करो क्या क्वेश्चन में हमारे को पीएसआर पता है, कुछ चेक करना पीएसआर क्वेश्चन चेक करो, कुछ पता है, ये देखो क्या की बड़े चेक करो, क्या रेशियो है, 2:1, 2:1, तो इन 2:1, 4,24,000 हमने कमाया जिसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 125 और 24। चेक करो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया, मुझे बताएं फटाफट कितना रह गया, 2,75,000 रह गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। लिखेंगे सर किसको मिलेगा ये किसको मिलेगा, तीनों को मिलेगा, एक्स को, वाई को, जेड को। सर कैसे मिलेगा, 275 × 2/5। देखो आगे क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे गारंटी के साथ आए या कैपिटल अकाउंट आए या करंट अकाउंट आए, हर क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है, तो इस पे ढंग से कमांड रखना, क्योंकि ये है इस चैप्टर की नींव। अगर ये खराब हो गया तो आगे के टॉपिक आपको समझ नहीं आएंगे, दिक्कत आएगी, तो इसको संभाल के रखना। आओ जी लिखो इनर कॉलम में, लिखो कितना कितना आ गया, चेक करो कितना कितना आ रहा है, तीनों के इससे क्या क्या आया बताओ जी, बताओ तीनों के इससे क्या क्या आया, आ गया तो बताना समझ,
नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो जी कंप्लीट। 4,24,000 रुपया आ चुका है। मन में क्वेश्चन, मन में डाउट, बात कर सकते हो मेरे से। समझ आएगा तो बताओ, फिर चलेंगे आगे। हरिओम एवरीवन। प्रॉफिट चेक कर लो, इतना ही आ रहा है। 110 55 आ रहा है, चेक कर लो एक बार आप लोग प्लीज। प्लीज चेक कर लीजिएगा, इतना ही आ रहा है। आगे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, अगला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, चले आगे हम लोग। यस सर, चलेगा आगे। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे, करो तो याद रखना। आपको जो मेन हैंडल करना है वो क्या हैंडल करना है, ये इसको संभालना है खाली, इसको ये खाली ये संभालना है, बाकी सबको डेबिट में वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको संभालना। अगला क्वेश्चन में देखते हैं और संभालते हैं कितना संभाल पाते हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्वेश्चन को पहले क्या कहता है। पहचानो क्या एप्रोप्रिएशन है, पहचानो क्या एक्सपेंस है इसके अंदर, और हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। ये सब क्वेश्चन रिपीट दोबारा होमवर्क में मिलेंगे आपको, जितने मैं करवा रहा हूं उसके साथ नए क्वेश्चन और भी। क्या कह रहा है सर, एक्स वाई पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2, कैपिटल है 8 लाख की और 6 लाख रुपए की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे देंगे 5% देंगे, वाई को एनुअल सैलरी है, एनुअल है, सालाना सैलरी है 60,000 रुपए देंगे, विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, अभी उसने विदड्रॉ नहीं करी, अभी आपके काम का नहीं है, जब सिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट तो आपको समझ आएगा विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन का क्या मतलब है। फिलहाल अभी सैलरी उसको मिल रही है 60,000 रुपए मिल रही है सैलरी उसको, ठीक है जी। प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। प्रॉफिट है बिफोर IOC। बेटे एक बात बताओ मुझे, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशन है? IOC अप्रोप्रिएशन। तो क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट है बिफोर IOC। हमने डिस्कस किया था हमें प्रॉफिट कैसा चाहिए, बिफोर अप्रोप्रिएशन, ये भी कह रहे हैं बिफोर IOC, मतलब IOC की प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट करने की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है प्रॉफिट बिफोर IOC मतलब बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन, मुझे भी चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन, ये भी कह रहा है बिफोर, तो मतलब इस प्रॉफिट के अंदर, ये वाले प्रॉफिट के अंदर हमें एप्रोप्रिएशन की कोई भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलो, आगे पढ़ो क्या कहता है। बट लेकिन 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 क्या कह रहा है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी, कहता है वाई की सैलरी माइनस करने के बाद, वाई की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000 रुपए। क्या वाई की सैलरी माइनस होनी चाहिए थी? सर वाई की सैलरी है एप्रोप्रिएशन और मुझे प्रॉफिट चाहिए बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन, और ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, इन्होंने वाई की सैलरी कर दी माइनस, तो बेटे वाई की सैलरी को हम लोग क्या कर देंगे, मुझे बताओ हम लोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, एडबैक कर देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, लेकिन अभी आगे चलते आगे एक बात और सीखते हैं, या मुझे पॉइंट और दिख रहा है, इस पॉइंट को समझेंगे क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है प्रोविजन बनाएंगे 5%, कहता है प्रॉफिट का 5% प्रोविजन बनाएंगे, जो कि आप कमीशन दे रहे हो मैनेजर को, मैनेजर को कमीशन देना एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंस है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब हम जानते हैं सारे खर्चे माइनस होने चाहिए थे, एज वी ऑल नो सारे खर्चे माइनस होने चाहिए थे, लेकिन एक ये खर्चा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है, सर बताओ ये खर्चा माइनस हुआ कि नहीं हुआ, सर उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऐसा उसने कुछ कहा ही नहीं। अब ये हमें जानना है कि ये खर्चा माइनस हुआ है या नहीं हुआ, अगर खर्चा माइनस हो चुका है पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें क्या चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, अगर ये एक्सपेंस माइनस हो चुका है पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ,
तो पहले ये जानना है मुझे ये एक्सपेंस माइनस हुआ है या नहीं हुआ। सर कैसे पता चलेगा? आओ पढ़ते हैं बेटे, ये पढ़ो, ये वर्ड पीछे पढ़ना क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है जिसको मैं इंसर्ट कर रहा हूं। खाली लिखा है प्रॉफिट। बेटे अगर यहां लिखा होता क्या लिखा होता सर? नेट प्रॉफिट। बच्चे अगर यहां क्या लिखा होता? नेट प्रॉफिट। उसका मतलब क्या है? सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। लेकिन यहां वो कह रहे हैं खाली प्रॉफिट, इसका मतलब अभी ये वाला एक्सपेंस बेटे माइनस नहीं हुआ, माइनस करना बाकी है। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में दो एडजस्टमेंट करनी है हमने, एक तो एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है उसको एड बैक कर देंगे, और दूसरा ये एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ इसको माइनस करेंगे। मुझे कैसे पता चला माइनस नहीं हुआ? क्योंकि बेटे यहां वर्ड लिखा खाली प्रॉफिट, यहां वर्ड नहीं लिखा नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता तो मैं मान लेता सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां लिखा है प्रॉफिट, इसका मतलब वो खर्चा अभी तक माइनस नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ये आपके जिम्मे है। आएगा बिगिन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा सर ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 15। आओ क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है पहले, वर्किंग कर लो, हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, चेक करना कितना प्रॉफिट है वाई की सैलरी के बाद, चेक करो कितना प्रॉफिट है, क्वेश्चन को चेक करो एक बार, कितना गिवन है प्रॉफिट आपको वाई की सैलरी के बाद, चेक इट आउट एवरीवन, 60,000 बेटे प्रॉफिट कितना है बेटे वाई की सैलरी के बाद, दोबारा पढ़ो ध्यान से पढ़ो बेटे, पढ़ो क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 बिफोर आईओसी आफ्टर चार्जिंग वाई, इसका मतलब सैलरी नहीं है बेटे, इसका मतलब है प्रॉफिट वाई की सैलरी को माइनस करने के बाद, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपी 240, तो बेटा प्रॉफिट कितना है बेटे, क्या प्रॉफिट बताया आप लोगों को, 2 लाख एड 40,000 इसमें सैलरी माइनस हो चुकी है, एड बैक कर देंगे, एड फिर क्या एड करेंगे लिखो, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी वाई, वाई की सैलरी एड बैक कर दो 60,000 में, कितना आ गया बच्चे, क्या निकल गया प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बिफोर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, एनी एप्रोप्रिएशन बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, लिखो जी लिखो बेटे, मेन इसी की गेम है, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो प्लस माइनस खेलना है, कुछ नहीं करना, माइनस हर क्वेश्चन में आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर के अंदर, तो ध्यान से सीखिएगा कॉन्सेप्ट, नहीं यार मुझसे पूछ लो बता दूंगा मैं आप लोगों को, माइनस बेटे क्या माइनस करना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस, माइनस क्या गया, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, बेटे मैनेजर कमीशन हमारा क्या होता है, इट्स अवर एक्सपेंस, और चेक करो कितना प्रोविजन है सर, कितना प्रोविजन है, क्या कह रहा है सर, प्रोविजन ऑफ 5% बेटे 5% का प्रोविजन बनाओ मैनेजर की कमीशन के लिए, 5%, तो 5% किसका लोगे, 3 लाख का 5%, करो सॉल्व, कितना आ गया, कितना आ गया ये, 15,000, बहुत बढ़िया कंप्लीट कर लो जी, आ गया प्रॉफिट 285, ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है,
ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं अब, बट बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन, सारे खर्चे माइनस, कोई भी एप्रोप्रिएशन अभी तक माइनस नहीं हुई, इस या आप कह लो उसको नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को, हाँ प्लीज प्लीज बोलिएगा, बताइए पूछिए। सर क्वेश्चन में लिखा है कि जो ये कमीशन टू मैनेजर है वो नेट प्रॉफिट पे है, तो ये कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा नहीं बच्चे, नो उस पे नहीं, नेट प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो पीएनएल का प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग नहीं मानोगे। आप कह रहे हो कि मैं 3 लाख इनटू 5.10 वो नहीं करना बच्चे, उसने ये नहीं बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नॉर्मल नेट प्रॉफिट बोला, ठीक है, फाइन सर, वो होगा तो बताएगा, वो आपको पूरी बात बताएगा वो। चलते अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बच्चे प्रिपेयर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्किंग समझ आ गई होगी पूरी की पूरी। अब इस वर्किंग पर हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, फटाफट बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको क्वेश्चन की लिस्ट आज फॉरवर्ड कर दूंगा पूरी की पूरी, मैं पूरे का पूरा पीडीएफ ये वाला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, आगे बिगिन करते हैं बाय पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज, कितना प्रॉफिट आया था हमारा, 2,85,000 डिस्ट्रीब्यूट कराओ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कितना है, 8,00,000, 6,00,000 का 5%, इनके नाम है एक्स और वाई, एक्स कैपिटल बेटे हो गया 40,000, 30,000 दोनों मिला के हो गया बेटे 70,000, देखिए पढ़ाओ देखिएगा, आओ चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डीड में लिखा वाई को सैलरी देंगे, तो वाई कैपिटल अकाउंट बेटे ब्रैकेट में सैलरी चेक करो, वाई को सैलरी कितनी दे रहे हैं हम लोग, 60,000 बेटे वाई की सैलरी है बच्चे, आ जाओ तो जो बच गया एंड में, डीड में कुछ में लिखा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट बेटे कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे चेक करना रेशियो है कोई, चेक करो क्वेश्चन में कोई रेशियो है बेटे, रेशियो चेक करो, रेशियो है 3:2 इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, चेक करो कितना प्रॉफिट रिमेनिंग, चेक करो कितना रह गया प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट आउट हो हरी अब कितना रह गया, कितना प्रॉफिट रह गया रिमेनिंग, चेक इट आउट, चेक करो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया, 1,55,000 155 आ गया, लिखिएगा बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट, चेक करो एक्स को कितना मिल रहा है, वाई को कितना मिल रहा है,
चेक करो एक्स को वाई को कितना मिल रहा है, इंटू 3/5 चेक करो जी कितना आ गया, एक्स से कितना आ गया जी मुझे बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों की। 5/3 31 93 आएगा मेरे ख्याल से, चेक करना बेटा एक बार। यस सर 93 आ रहा है बेटा, वाई कैपिटल में आ गया 155 इंटू 2/5 अच्छे बेटे इनको मिलेगा फिर इस हिसाब से 62,062 रुपए, चेक कर लो कंप्लीट है या नहीं, कोई डाउट किसी के मन में क्वेश्चन यू कैन आस्क, मैं आगे चलूंगा अगला क्वेश्चन इससे बढ़िया लेकर आएंगे, इससे बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे अगला क्वेश्चन। टोटलिंग कितनी 2,85,000, किसी को यहां तक कोई डाउट प्लीज मुझसे पूछ सकते हो फिर आगे चलेंगे। हरी अब कोई डाउट? नो डाउट सर, चलते आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे बेटे। जो आगे क्वेश्चन जो आएंगे इसके अगला टॉपिक कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अभी तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां आईयूडी सीधा सीधा गिवन होगा, लेकिन पूरे एक या दो लेक्चर लगेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक पे बेटे। फिर टॉपिक आएगा, एक लेक्चर आएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बेटे, सबको मर्ज कर दूंगा, एप्रोप्रिएशन को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को, और छोटे मोटे एक दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दूंगा बेटे, मर्ज करके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन चैप्टर का बनके तैयार हो जाएगा। कुछ भी हो एप्रोप्रिएशन का टॉपिक आएगा ही आएगा हर क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान से संभाल के चलेगा और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे बेटे। 16 आपसे अपने आप हो जाएगा, 16 मैं नहीं करवा रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटे। 17 क्वेश्चन करेंगे और हम 17 क्वेश्चन करेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को पहले बेटे क्या कहता है। 17 क्वेश्चन और ध्यान से करना क्वेश्चन, पहले समझते हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटे अपना है, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन, कहता है अतुल और मिथुन दो लोग हैं, अतुल और मिथुन एक पार्टनर है बेटे, उनकी रेशियो है 3:2, उनकी PSR है 3:2, मतलब PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। चलो आगे बेटे, 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल के आगे वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा सर ये? फिक्स्ड बेटे, फिलहाल बस मेरा कहना मान लो, अभी करंट लिखूंगा, क्यों लिखूंगा बाद में बताऊंगा जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल करंट आएगा ठीक है। अतुल के 5,00,000 लगे हैं, मिथुन के 6,00,000 रुपए लगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं लोन अकाउंट अतुल के आगे लिखा हुआ है लोन अकाउंट 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। अभी समझेंगे क्रेडिट क्या होता है, या आप लोग समझाएंगे, मुझे नहीं आता, आपसे बात करूंगा मैं। लोन लिखा है 3,00,000 रुपए क्रेडिट, और मिथुन के आगे लिखा है लोन 2,00,000 रुपए, क्या लिखा है? क्रेडिट और डेबिट। ये गेम अभी समझेंगे, क्रेडिट डेबिट की क्या गेम है, क्रेडिट डेबिट का क्या मतलब है, इसको भी जानेंगे। आगे चलो क्या कहते हैं, इट वॉज एग्री किया गया, अलाउ करेंगे या चार्ज करेंगे, अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। अभी समझेंगे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट जो आपने अलाउ करना है कैपिटल के ऊपर वो है 10%। आपको कैपिटल का इंटरेस्ट पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करना है 5,000 ईच। देखो अभी तो आपको इस क्वेश्चन में आईओडी पता है, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे हमें आईओडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दो लेक्चर लगाएंगे अलग से हम, जिसमें सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, मतलब बिफोर अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट है 2,28,000 का, हमसे मांग रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बात ध्यान से बात सुनेगा, क्या कहता है, दो बातें समझनी यहां पे, दो बातें समझनी हमने, जो है एक वर्ड समझा रहा है हमारे को, अतुल का लोन का क्रेडिट बैलेंस है 3,00,000 रुपए का,
और मिथुन का लोन का डेबिट बैलेंस है 2 लाख रुपए का, और नीचे वो लिख के अपने को समझा रहा है, क्या समझा रहा है, इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। ध्यान से बात सुनो, देखो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पता है, तो ये पॉइंट लिख रहा है अलाउ या चार्ज करेंगे 8%, ये आपको लिख रहा है बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। कहता 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे लोन पार्टनर ने फर्म से लिया है या फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ है, दोनों केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बेटे वो रहेगा 8%। बेटे मान लो अगर क्वेश्चन में लिखता ही ना, आपको बताता ही ना कि पार्टनर का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बेटे हम सबको बच्चे पता है एक्ट में क्या लिखा था, अगर लोन के बारे में रेट ना पता तो क्या लगाएंगे, कौन सा रेट लगाएंगे, 6% पर एनम। अगर ना बोलता क्वेश्चन कुछ ना कहता तो बेटे यह हम लगाते 6% पर एनम, लेकिन उसने बता दिया हम लगाएंगे 8%, या तो अलाउ करेंगे या तो चार्ज करेंगे। सर अब ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है किससे अलाउ करेंगे और किसको चार्ज करेंगे। बेटे आगे लिखा अतुल के आगे लिखा 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब क्या अतुल ने फर्म को लोन दिया हुआ है या फर्म ने अतुल को लोन दिया हुआ है, क्या कौन समझाएगा मुझे इसका मतलब बताओ। 3 लाख क्रेडिट बैलेंस है लिखा है, 3 लाख अतुल लोन, 3 लाख क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या अतुल ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने अतुल को लोन दिया है, बताइएगा प्लीज। 3 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, सोचिएगा। और इसी प्रकार से मिथुन में लिखा है 2 लाख डेबिट, तो क्या मतलब मिथुन ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, बताइए मुझे प्लीज, 2 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग। 3 लाख क्रेडिट अतुल लोन, फर्म कह रही है। चलो बच्चे मैं बताता हूं, अगर आपके वाहन से दोबारा मेरी बात सुनेगा, देखो लिखा है अतुल के आगे लिखा 3 लाख क्रेडिट बैलेंस, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे फर्म ने अतुल से लोन ले रखा है, फर्म का क्रेडिट बैलेंस है, फर्म की लायबिलिटी है, बच्चे लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने अतुल से लोन ले रखा है। बेटे एक बात बताओ, जब फर्म ने अतुल से लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म, तो इसका मतलब ये फर्म का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी पार्टनर फर्म को लोन देगा बेटे फर्म का बन जाएगा एक्सपेंस, तो जो 8% का इंटरेस्ट लगेगा फर्म के ऊपर बच्चे वो फर्म का एक्सपेंस है। इसी प्रकार से जो 2 लाख रुपए मुझे दिख रहे हैं, 2 लाख का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है, फर्म ने किसको लोन दे रखा है, फर्म ने किसको लोन दे रखा है, अतुल को 2 लाख रुपए का, फर्म की एसेट है इसलिए बेटे है डेबिट बैलेंस। अब अतुल किसको इंटरेस्ट देगा, अतुल किसको इंटरेस्ट देगा, फर्म को, जो फर्म की, फर्म की क्या बन जाएगी इनकम, फर्म की क्या बन जाएगी इनकम। आप समझते हो, नीचे लिखते, नीचे पढ़ो क्या लिखते हैं, अब इस प्रॉफिट को ठीक करेंगे, बाकी आपको आता है, मेन हमने सीखना है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। नीचे पढ़ो क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन और बिफोर एक्सपेंस, और बिगिन करते हैं इसकी वर्किंग करते हैं, पहले समझेंगे चीज को। सॉल्यूशन पहले जानो, लिखा है अतुल फाइव लाख, ऐसे लिखा अतुल लोन को लिख लो पहले, 5 लाख ब्रैकेट में क्रेडिट, उसका मतलब क्या हुआ, इट मींस लोन किसने किसको दिया है, पार्टिसिपेट का लोन किसने किसको दिया है, लोन गिवन बाय अतुल टू फर्म, इट्स अ लायबिलिटी ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन
इज कंसिडर्ड एज 3 लाख का लोन, 3 लाख है, हमने गलती से 5 लाख दिया, 3 लाख है. नाउ फाइन. यस सर. चलेगा. थैंक यू. दोबारा बोल रहा हूं, अतुल का लोन है 3 लाख रुपए का. इट मीन लोन गिवन बाय अतुल टू फर्म, इट्स अ लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस. वो एक्सपेंस बन जाएगा. बच्चे निकालो कितना लोन है, कितना इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट, कितना आ गया 3 लाख का. एट परसेंट लिखिएगा फटाफट. ये फर्म का एक्सपेंस है, ये फर्म का एक्सपेंस है, लिखिए इसको. इट मीन लोन गिवन बाय अतुल टू फर्म, इट्स अ लायबिलिटी ऑफ फर्म, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है 3 लाख का 8%. आगे चलेंगे. अगला क्या नाम है, मिथुन लोन लिखा है 2 लाख, बेटे ब्रैकेट में डेबिट. मिथुन लोन 2 लाख ब्रैकेट में डेबिट, क्या मतलब है इसका? लोन किसके, किसने किसको दिया है, पार्टिसिपेट करो. लोन गिवन बाय, लोन गिवन बाय फर्म मिथुन, बेटे मिथुन फर्म ने मिथुन को दिया है, तो फर्म की क्या बन गई, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, एसेट. जो इंटरेस्ट होगा ऑन सच लोन वो क्या माना जाएगा फर्म के लिए, इज कंसिडर्ड एज इनकम 2 लाख का 8%, 16,000 रुपए. 2 लाख का 8%, 16,000 रुपए. ओके, कोई डाउट किसी को यहां तक? तो ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर पे चार्ज किया है फर्म ने, ये चार्ज किया है 16,000 चार्ज किया है, फर्म की इनकम है. और ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर ने, पार्टनर को फर्म ने अलाउड किया है, तभी वहां पे वर्ड आया है अलाउड और चार्ज, अलाउड और चार्ज. यहां तक किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, यू कैन आस्क. फिर आगे चलेंगे हम लोग, आगे मूव करें. चलते अब देखते क्या कहते हैं. अब हम जो बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सारे खर्चे और इनकम को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना आएगा हम देखेंगे. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, मतलब कि दोनों जो इंटरेस्ट है, इनकम वाला एक्सपेंस वाला अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, इसको एडजस्ट करना है. और एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 2,28,000, 228 ये प्रॉफिट है, इसमें ऐड कर दो इनकम और माइनस कर दो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है. 16,000 हमने ऐड कर दिया और 24,000 हमने यहां से माइनस कर दिया. अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन कितना आ चुका है, कितना आ गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन. हरी अब 2 लाख, चेक कीजिएगा कितना आ रहा, बताओ. यहां तक कोई मन में डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई संदेह, में से बात करो, फिर आगे चलेंगे फटाफट. यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, प्लीज कंफर्म कीजिए. अब बच्चे लगभग क्वेश्चन हो चुका है, अब तो हमने खाली वही बनाना है. एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्राफ्ट करते आइएगा. उसने कहा था बिफोर, पढ़ो, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, बेटे हमारे सारे खर्चे, सारी इनकम माइनस होनी चाहिए थी, प्लस होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, वो हमने कर दिया, बाकी क्वेश्चन ओके है. अब बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस.
एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। इसको ध्यान से सीखना बच्चे, अभी तो होमवर्क के क्वेश्चन जब कम मिलेंगे, लेकिन जिस दिन दो तीन टॉपिक आपके खत्म हो गए, आईओडी खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन मिलेंगे भर भर के। तो कॉन्सेप्ट को रखना स्ट्रॉन्ग। हाँ जी सर, बाय। पीएनएल अकाउंट सर क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन अमाउंटिंग टू 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 रुपीज। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ने का लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा कितना चार्ज किया पढ़ो, 5,000 पढ़ो, क्या लिखा 5,000 ईच, तो ईच दोनों पे लगाएंगे। क्वेश्चन में वर्ड आया था फिक्स्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल्स करंट अकाउंट। करंट क्यों लिख रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा टॉपिक आएगा बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, फिलहाल अभी आप लिख लो अतुल्स करंट अकाउंट मिथुन करंट अकाउंट। अतुल और मिथुन लिखा है 5,000 ईच, तो दोनों पे लग गया 5,000 रुपए। फर्म की इनकम कितनी आ गई, अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 रुपीज बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलते आगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चेक करो, क्या रेट है, कितने परसेंट है, चेक इट आउट, 10% पर एनम लिखा हुआ, 10% पर एनम, ठीक है जी। 5 लाख और 6 लाख का 10%। और बात करेंगे डेबिट साइड पे, एप्रोप्रिएशन है हमारी 2, अभी आने वाली क्लास में आपको टॉपिक सिखाऊंगा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। अभी तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको आईओडी की वैल्यू भी गिवन नहीं होगी, वहां में इसको सीखना पड़ेगा कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है जी, सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले का नाम है अतुल, क्या लिखूं, अतुल करंट अकाउंट, वर्ड फिक्स्ड है इसलिए लिखना है, और मिथुन मिथुन करंट अकाउंट। बेटे पैसा इन्वेस्ट किया इन लोगों ने 5 लाख 6 लाख, 5 लाख का 10%, 50,000, 6 लाख का 10%, 1,10,000 रुपीज। चेक करो डीड में और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा डीड में, चेक इट आउट, कुछ और रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, लोन हो गया, आईओडी हो गया, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या रह गया जी, एंड में क्या निकालेंगे हम लोग, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, या इसको कहीं बार बेटे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 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 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज कितनी, चेक करो क्वेश्चन में कितनी लिख के मुझे बताओ, 3:2 सर, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, वर्ड क्या आएगा वहां पर, क्या इसको क्या लिखूं, करंट अकाउंट, देखो मैक्सिमम जगह कैपिटल तो गलती से हाथ चल जाता कैपिटल पे, तो याद रखो फिक्स्ड में हमेशा बड़े करंट लिखना हमने, तो 90% आपको कैपिटल अकाउंट लिखना होगा हर जगह, लेकिन जहां वर्ड फिक्स आए वहां बेटे करंट हम लिखेंगे, लेकिन ये नाम लिखो, अतुल करंट अकाउंट, और दूसरा है, दूसरे का नाम क्या, मिथुन करंट अकाउंट। हां जी हेल्प करो जी, मेरी हेल्प करो,
कितना आ रहा है, चेक करो कितना प्रॉफिट बच गया, मुझे बताओ देख के फटोगा कितना बच गया। 220 वो हो गया बे, 230 में से बेटे 110 गया बेटे, आ गया 1,20,000 रुपीज। और सॉल्व करो क्या बोलेंगे जी, 120 into 3/5 इनर कॉलम में 2/5 ये हो गया 5 to 10 24 72,000 पे आ गया बेटे, और ये आ जाएगा 24 into 48,000 रुपीज। इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में लिखना, बाहर बेटे क्लोज कर दो, कितना आ गया क्लोज करके 2,30,000 230 आ गया क्लोज।